क्या बात है अस्मा, बहुत परेशान लग रही हो तुम। हाँ शोएब, मुझे लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही। Hello everyone, welcome to Lingo School of Languages and this is your teacher Dr. English. Well, अभी आपने एक सिचुएशन देखी जिसमें आपने ये देखा कि अस्मा काफी परेशान है और अस्मा की परेशानी की वजह क्या है कि दरअसल उसने कुछ इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं, इतने काम ले लिए हैं कि दरअसल वो हैंडल नहीं कर पा रही। तो अगर आप भी किसी इस तरह की सिचुएशन में जिसमें आपके पास यू हैव टेकन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू कैन नॉट हैंडल इट, तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंग्लिश एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज I bit off more than I can chew. Okay, Asma has bitten off more than she can chew. Right? So this is a very nice expression. I hope that you got it and you can use it in your work life. So I'll be back with another word that you could use it in your work life. Asma, क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रही हो आज। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रही हो? हाँ भाई, ऐसा क्या मसला है जिसका तुम हल नहीं निकाल पा रही? हाँ यार, मैं अकाउंट्स के काम में फंस गई हूँ, समझ नहीं आ रहा इसे कैसे सॉल्व करूँ। और आपने देखा कि अस्मा की परेशानी शायद अभी भी खत्म नहीं हो सकी। She has a problem that she cannot resolve it, right? तो if you have a kind of a problem, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन आपको समझ में ना आ रहा हो, यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो आप इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, फिगर आउट, राइट? तो एक्चुअली Asma was in tension and she cannot figure it out. She don't know what is a solution of that account's problem. And if you have and if you are in this kind of situation, so you can also say, I cannot figure it out. Means to find a solution. I hope that you got it, both two expression. For more videos, visit my Facebook page and subscribe my YouTube channel. And for more videos, you can visit our website www.lingosoul.com. Take care. Bye.